गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, होप यू ऑल आर वेल. टुडे डेट इज 6/7/20 एंड डे इज मंडे. विच डे इज टुडे? मंडे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी सब्जेक्ट. विच सब्जेक्ट वी आर लर्न हिंदी सब्जेक्ट. विच सब्जेक्ट? हिंदी सब्जेक्ट. चलो आज हम उसमें पार्ट वन चित्र वर्णन पढ़ेंगे. ओके, नाउ यू ऑल आर ओपन योर बुक एंड फर्स्ट पेज देर आर गिवन वन पिक्चर. लुक एट देयर. चलो अब उस पिक्चर को देखो. वाओ, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है. देखा, लॉट्स ऑफ कलरिंग पिक्चर्स, मैनी पीपल देयर, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे. ठीक है, देखो वहाँ पे स्टॉल लगे हैं. देखा आपने, वहाँ पे एक छोटा लड़का है, आइसक्रीम लेके खड़ा है. एक औरत है, हाथ में एक थैला लिया है. एक और औरत है जिसने गुलाबी कलर का ड्रेस पहना है, वो डेयरी के पास खड़ी है. एक बच्चा है, वो अपने पापा से क्या ले रहा है? आइसक्रीम ले रहा है. अच्छा लगा ना, कितनी कलरफुल पिक्चर है. देर आर ट्रीज ऑल्सो, वहाँ पे बहुत सारी ट्री हैं. और क्या है? बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? हम बिल्डिंग को हिंदी में इमारतें कहते हैं. क्या कहते हैं? इमारतें. सबको पता था या आज ही सीखा है? नहीं, हमको पता था. क्या कहते थे? क्या कहते हैं? इमारतें. चलो अब यहाँ पे देखो, ये डेयरी वाला, एक डेयरी वाले की दुकान है. दूसरी कौन सी दुकान है? अमीर चंद ज्वेलर की दुकान है. किसकी दुकान है? ज्वेलर वाले की दुकान है. फिर यहाँ देखे, छोटी सी से छतरी जैसा है. छतरी मीन्स अम्ब्रेला. सबको पता है ना अम्ब्रेला को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में अम्ब्रेला को छतरी कहते हैं. देखो वहाँ पे एक आदमी बैठा है और वो क्या बेच रहा है? क्या बेच रहा है? वो बेच रहा है आइसक्रीम. क्या बेच रहा है? आइसक्रीम. सबको बहुत पसंद है ना आइसक्रीम? मुझे भी बहुत पसंद है. आई एम ऑल्सो लाइक आइसक्रीम. देन दूसरा कौन सा है? पिज्ज़ा कॉर्नर. सबको पिज्ज़ा खाना पसंद है ना? पिज्ज़ा कॉर्नर की दुकान है. उसके बाद कौन सी है? कुबेर वाले की दुकान. देखा सबने, कितनी दुकान है. चलो अब हम सब काउंट करेंगे. कितनी दुकानें हैं? 1, 2, 3, 4, 5. कितनी दुकानें हैं? 5. दोबारा काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. सबने देखा ना. अब एक बात बताओ सब लोग, सब बच्चे एक बात बताओ, इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं. दोनों के हाथ में आइसक्रीम है ना. एक के हाथ में आइसक्रीम है और एक अपने फादर से, अपने पापा से आइसक्रीम ले रहा है. दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 लड़के हैं, लेकिन एक ने क्या पहना है? टी शर्ट और पैंट पहना है. एक ने टी शर्ट और हाफ पैंट पहना है, पर एक ने टोपी पहनी है. टोपी, कैप. देखा सबने, अब सब मार्केट में सब घूमने निकले हैं, सामान लेने निकले हैं. आप लोग भी जाते हो ना मार्केट में? सब सामान लेने जाते हो ना पापा मम्मा के साथ? मज़ा आती है. और आइसक्रीम खाने भी बहुत मज़ा आती है. अभी मत खाना, ठीक है ना. देखो वहाँ पे कितने सारे ट्रीज हैं, इमारतें हैं, फिर सब स्टॉल हैं. ठीक है, चलो अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन आंसर प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे. ठीक है, चलो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रश्न क्या है? पहले नंबर का प्रश्न क्या है? चित्र में कौन कौन सी दुकानें दिख रही हैं? चित्र में कौन कौन सी दुकानें दिख रही हैं? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दैट पिक्चर. सब लोग वो पिक्चर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा. सब लोग बुक के अंदर देखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी दुकानें हैं वहां पे. चलो फिंगर रखो. फर्स्ट दुकान किसकी दुकान है? परम डेयरी वाले की. किसकी? परम डेयरी वाले की. तो चलो अब हम यहां पे लिखेंगे परम डेयरी. लिखा सबने? हाँ. अब हम क्या, कौन सी दुकान है पहली? परम डेयरी वाले की. चलो अब हम उधर देखेंगे, उसके बाजू में, उसके साइड में कौन सी दुकान है?
आमिर चंद ज्वेलर्स, जिसके पास सब गोल्ड का सामान मिलता है। मम्मी पहनती है ना गोल्ड की चेन पहनती है, इयर रिंग्स पहनती है, देखा है ना सबने। तो वहां पे क्या मिलता है? गोल्ड का सामान मिलता है। उस दुकान का नाम क्या है? चलो अब सब लोग रीड करो, आमिर चंद ज्वेलर्स। चलो अच्छी हैंडराइटिंग में हम लोग लिखेंगे आमिर चंद, बिंदु भी लगाना है, ज्वेलर्स। क्या लिखेंगे? आमिर चंद ज्वेलर्स। उसके बाद कौन सी दुकान है? आइसक्रीम वाले की। कौन सी दुकान है? आइसक्रीम। अब हम कौन सी वाले दुकान का नाम लिखेंगे? आइसक्रीम। चलो अब सब मेरे साथ लिखो, आइसक्रीम वाले की दुकान है। सब साथ में लिखो, चलो फास्ट। लिखा आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम लिखा, आइसक्रीम वाले की दुकान है। उसके बाद किसकी दुकान है? देखो पिक्चर में, पिक्चर में दिख रही है ना, आइसक्रीम वाले के बाजू में कौन सी दुकान है? पिज्जा कॉर्नर वाले की। कौन सी दुकान है? पिज्जा कॉर्नर वाले की। चलो लिखो यहां पे, पिज्जा कॉर्नर, पिज्जा कॉर्नर वाले की दुकान है। किसकी दुकान है? पिज्जा कॉर्नर वाले की। चलो सब अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सी दुकान है? कुबेर वाले की दुकान है। किसकी दुकान है? कुबेर की, कुबेर वाले की दुकान है। चलो अब हम दोबारा इसको रीड करेंगे अगेन। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्या प्रश्न था हमारा? चित्र में कौन कौन सी दुकानें दिख रही हैं? अगेन यू सी दैट पिक्चर। चित्र में कौन कौन सी दुकानें दिख रही हैं? फर्स्ट पिक्चर इज, पहला पिक्चर कौन सा है? परम डेयरी वाले की दुकान। पिक्चर में कौन सी है फर्स्ट दुकान? परम डेयरी। फिर आमिर चंद ज्वेलर। फिर आइसक्रीम वाले की दुकान। फिर पिज्जा कॉर्नर। देन कुबेर वाले की दुकान, ठीक है। चलो अब हम नंबर टू पे आएंगे। किस पे आएंगे? नंबर टू पे। हिंदी में नंबर टू को क्या कहते हैं? दो। क्या कहते हैं? दो। चलो अब हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा है? टोपी वाला लड़का क्या ले रहा है? अब देखो मैंने आपको बताया था ना, वहां पे दो लड़के हैं, एक लड़के ने टोपी नहीं पहनी है और एक लड़के ने टोपी पहनी है। तो हमको कौन सी पिक्चर देखनी है? टोपी वाले लड़के की पिक्चर देखनी है। तो टोपी वाला लड़का क्या ले रहा है? टोपी वाला लड़का आइसक्रीम ले रहा है। क्या ले रहा है? आइसक्रीम। क्या ले रहा है? आइसक्रीम। चलो हम दोबारा रीड करेंगे। टोपी वाला लड़का क्या ले रहा है? टोपी वाला लड़का क्या ले रहा है? आइसक्रीम। देखो उस पिक्चर में दिख रहा है, उसने ऐसे हाथ ऐसे बढ़ाया है और वो ऐसे ले रहा है, तो उसके पापा उसको क्या दे रहे हैं? आइसक्रीम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आइसक्रीम। चलो नंबर थ्री। नंबर थ्री को हिंदी में क्या कहते हैं? तीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन कहते हैं। चलो अब मैं उसको रीड करूंगी, आप मेरे पीछे पीछे रीड करना, कंपल्सरी ऑल ऑफ यू। नंबर थ्री, हरे रंग के कपड़े वाली औरत के हाथ में क्या है? हरे रंग के कपड़े वाली औरत के हाथ में क्या है? चलो अब हम फिर से पिक्चर देखेंगे। कहाँ है हरे रंग वाली औरत, कपड़े वाली औरत? ये रही फर्स्ट पिक्चर है ना, जो पहली पिक्चर है उसमें हरे रंग का ड्रेस पहना है ना, उसके हाथ में क्या है? ध्यान से देखो क्या है उसके हाथ में। मार्केट से क्या ला रही है? थैले के अंदर क्या है? वो बैग लिया है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है सब्जियां। क्या है उसके अंदर? सब्जियां। क्या है उसके अंदर? सब्जियां।
हरे रंग के कपड़े वाली औरत के हाथ में क्या है? उसके हाथ में है सब्जियां। देखा ना वहां पे हरे रंग के कपड़े पहने एक औरत ने, उस पिक्चर को सब लोग ध्यान से देखो, उसके हाथ में एक बैग है, उसमें क्या है? सब्जियां। हम लोग भी जाते हैं ना मार्केट में, मार्केट में जाते हैं पापा के साथ या मम्मी के साथ जाते होंगे ना कभी, तो सब्जी लेके आते हो ना, पटेटो लेके आते हो, टमाटो लेके आते हो, हाँ, और फ्रूट भी लेके आते होंगे, फल। क्या कहते हैं फ्रूट को? फल। और सब्जियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में पता है? सबको पता है, हाँ, क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स। गुड स्टूडेंट्स, सबको पता है हाँ। चलो नंबर फोर, नंबर फोर को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? नहीं पता? पता है। क्या कहते हैं? चार। क्या कहते हैं? चार। चलो अब हम रीड करेंगे। परम डेरी के पास कौन खड़ा है? अब हमको दोबारा पिक्चर देखने जाना पड़ेगा। चलो पिक्चर देखो, परम डेरी वाले की दुकान कहाँ पे? ये रही। और उसके पास कौन खड़ा है? एक औरत खड़ी है। और उसने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? गुलाबी। कौन से कलर का पहना है? गुलाबी। गुलाबी मीन्स, गुलाबी कौन सा कलर था? पिंक कलर। पिंक कलर के हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाबी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुलाबी कपड़े वाली औरत। क्या लिखेंगे? गुलाबी कपड़े वाली औरत। चलो लिखो मेरे साथ, गुलाबी कपड़े वाली औरत। कौन खड़ी है? गुलाबी कपड़े वाली औरत। वो पहली औरत पिक्चर में दिख रही है, उसने तो ग्रीन पहना है। कौन सा पहना है? ग्रीन। लेकिन जो दुकान के पास खड़ी है, उसने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है? गुलाबी। गुलाबी मीन्स पिंक कलर, एवरीवन नो ना। चलो अब हम कौन से नंबर पे जाएंगे? फाइव। फाइव नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पांच। यस, क्या कहते हैं? पांच। जामुनी रंग, एवरीवन नो जामुनी रंग, विच रंग? यस, गुड स्टूडेंट्स। जामुनी रंग के टी शर्ट वाले लड़के के हाथ में क्या है? चलो हमने फिर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, शुरुआत में क्या बोला था सबको कि वहां पे पिक्चर में दो लड़के हैं, एक कैप वाला और एक विदाउट कैप वाला, बिना टोपी वाला। अब हमको क्या पूछा है? जामुनी रंग के टी शर्ट वाले। अब इसने जामुनी रंग के टी शर्ट पहनी है, इसने तो रेड पहनी है, इसने कौन सी पहनी है? जामुनी पहनी है। तो हमको इस लड़के के बारे में बताना, इसके बारे में नहीं। एवरी वन नो ना जामुनी। जामुनी रंग के टी शर्ट वाले लड़के के हाथ में क्या है? क्या है उसके हाथ में? चलो कौन बताएगा मुझे? पता है ना तुम्हें क्या है उसके हाथ में? आइसक्रीम। उसके हाथ में क्या है? आइसक्रीम। एवरीवन सी दिस पिक्चर, क्या है उसके हाथ में? आइसक्रीम। चलो देखो अब मेरे साथ सब लोग लिखेंगे आइसक्रीम। आइस क्रीम, सबको आइसक्रीम पसंद है ना, इसलिए हिंदी में आइसक्रीम भी लिखना आना चाहिए, ठीक है? चलो फाइव नंबर का दोबारा रीड करेंगे, उसको हम बोलेंगे। चलो अब सब जोर, ऑल ऑफ यू स्पीक विथ मी एंड लाउडली, डोंट सी देयर एन हियर। चलो, जामुनी रंग के टी शर्ट वाले लड़के के हाथ में क्या है? आइसक्रीम। चलो अब हम नंबर सिक्स के क्वेश्चन पे आए। कौन से नंबर? सिक्स। नंबर सिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? छ। क्या कहते हैं? छ। चलो अब हम क्वेश्चन को, प्रश्न को, क्वेश्चन प्रश्न, प्रश्न को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे सब लोग। ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर। दुकानों के पीछे क्या दिख रहा है? दुकानों के पीछे क्या दिख रहा है? चलो अब सब लोग पिक्चर देखेंगे अगेन। क्या दिख रहा है? देखो दुकानों के पीछे क्या दिख रहा है? एकदम बड़ा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, दिख रही है ना? अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं हिंदी में। चलो जल्दी बताओ। यस,
गुड स्टूडेंट्स. क्या कहते हैं बिल्डिंग को? इमारतें. तो दुकानों के पीछे क्या दिख रहा है? इमारतें दिख रही हैं. क्या दिख रही हैं? इमारतें. चलो अब हमने 5 क्वेश्चन आंसर आज रेडी किए हैं. आप सबको ये क्वेश्चन आंसर घर पे अच्छे से लर्न करने हैं और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं, क्योंकि बाद में जब मैं देखूंगी तो सबके एक एक नोट, सबका एक एक, सबको बुक चेक करूंगी. देखो अब ये वाली पिक्चर भी आपको अच्छे से देखने, इंटरेस्टिंग है ना. अभी हम पिक्चर देखेंगे, अभी आप घर पे हो तो ध्यान से उसको पढ़ना और पिक्चर के बारे में भी सब कुछ आइडेंटिफाई अच्छे से करना और क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेना कि भाई हमारे 6 क्वेश्चन आंसर तो अच्छे से एकदम लर्न करना. कभी भी आपको मैम पूछे तो आपको आने चाहिए, ठीक है. और अभी घर पे हो तो कहीं भी गंदी जगह में खेलने मत जाना, अच्छे से खेलना, हेल्दी फूड खाना, अनहेल्दी फूड मत खाना, ठीक है ना. अभी कोरोना है उसका आपको ध्यान रखना है. मम्मा को परेशान मत करना, उनको बार बार ना कहना पड़े कि आप यहाँ मत करो, ये मत करो, ठीक है. आप गुड स्टूडेंट्स हो, इसका ध्यान रखना. ओके, बाय चिल्ड्रंस.